SC ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज विभिन्न संगठनों ने सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक संपूर्ण भारत बंद बुलाया गया है। धनबाद में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। बंद समर्थक सड़कों पर उतरे, रणधीर वर्मा चौक, रांगाटांग बस स्टैंड पर एकजुट होकर प्रदर्शन किया, साथ ही लोगों से बंद को समर्थन देने की अपील की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम भी किया। भाजपा, झामुमो, कांग्रेस, मासस और अन्य राजनीतिक दलों एवं अन्य संगठनों ने भी भारत बंद में अपना समर्थन दिया है। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जॉन प्रभारी सुबल दास ने बंद को पूरी तरह से सफल बताया, कहा कि शांतिपूर्ण बंदी का आह्वान किया गया है। भारत बंद के दौरान बसपा राष्ट्रपति के नाम जिला के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेगी। इधर प्रशासन व पुलिस प्रशासन भी चौकसी बरत रही है, जगह जगह पुलिस जवानों की तैनाती है। पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बंद के दौरान हिंसा और उपद्रव की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैयार है। पुलिस महकमे की ओर से जरूरी दिशा निर्देश जारी किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारत बंद को देखते हुए शहर के अधिकांश निजी स्कूल बंद है। जरूरी सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया है। बंद के दौरान अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं बहाल है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड सर्विस की सेवा भी जारी है। देखिए 2 अगस्त को जिस प्रकार से उच्च न्यायालय का जजों का जो वक्तव्य आदिवासी हरिजन को उसका जाति वर्गीकरण करने के लिए जो निर्देश जो पारित किया है, इसका विरोध में पूरा भारत के लोग एकजुटता दिखा रहे हैं। आज बंद देख रहे हैं पूरे SC ST OBC और हमारे जो सहयोगी है जाति मुक्ति मोर्चा के सभी लोग इस बंदी में सहयोग हैं और हम लोग पूर्ण रूप से आज देखते हैं धनबाद में, पूरे धनबाद हम लोग बंद किए हुए। बताया जाए जो बंद का समर्थन किया जा रहा है, क्या लगता है कितना सही है ये जो बंद किया गया, इसका क्या असर देखने को? देखिए सही तो है, क्योंकि हमारा जो SC ST आरक्षण सिलने का काम केंद्र की सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, इससे हमारा हक अधिकार, हमारा जो मुंह का निवाला है वो छीनने का काम किया जा रहा है। मैं केंद्र की सरकार से ये मांग करता हूँ कि संविधान की 9वीं सूची में SC ST को जगह दिया जाए, सम्मान दिया जाए, नहीं तो ये आंदोलन अभी सड़क पर हो रहा है और आने वाले समय में सदन में भी होगा और विधानसभा में भी होगा। हमारे लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अभी हमने देखा कि काफी लोग जो जाने का भी प्रयास कर, लेकिन कुछ मजबूर लोगों को भी रोका जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना? देखिए सारे लोग हमारे साथ हैं, जैसे OBC का आरक्षण छीन लिया गया उसी तरह SC ST का भी आरक्षण छीनने का काम कर रही है केंद्र की सरकार। केंद्र की सरकार से हम तमाम SC ST के लोग ये मांग करते हैं कि हमारा जो हक अधिकार है हमारे तक रहने दिया जाए, हमारा हक अधिकार छीनने का काम ना किया जाए, नहीं तो यह आंदोलन उग्र आंदोलन के रूप में हो जाएगा और उसके बाद ये आंदोलन जो है एक बड़ा आंदोलन के रूप में देश में उभरने का काम करेगा। पूरा देश में आज जिस तरह का BJP सरकार ने कानून लाने का काम किया उसके विरोध में पूरा इंडिया में ये बंदी का आह्वान है SC ST के द्वारा, और SC ST अपना हक अधिकार लेने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। हम लोग चाहेंगे कि हमारा जो मान सम्मान या हमारा जो हक अधिकार है, भीमराव अम्बेडकर जी ने कानून जो बनाया हमारे SC ST के लिए, उसको हमको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमको अधिकार से हमको वंचित किया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम लोग ये छापी है, आने वाले दिनों में इससे भी आंदोलन होगा। ये हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको सम्मिलित है बंदी में और हम सपोर्ट करते हैं।